हेलो, इंग्लिश लिटरेचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पोएम द वेस्ट लैंड के बारे में। द वेस्ट लैंड ये पोएम लिखी थी T.S. Eliot ने। 1922 में इसे पब्लिश किया गया था। चलिए इस पोएम को जानते हैं। इस पोएम में क्या है, T.S. Eliot का फुल फॉर्म नेम है थॉमस स्टीन इलियट और उनका जन्म हुआ था 1888 में। उनकी डेथ हुई थी 1965 में। वो एक प्ले राइट, पब्लिशर, लिटरेरी क्रिटिक थे और 20th सेंचुरी के मेजर पोएट थे। उनका एजुकेशन हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर उन्होंने ABME और PhD किया था। मेल्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में भी उन्होंने पढ़ाई की थी। वो लिटरेरी मूवमेंट जो था उनका मॉडर्निज्म था। उनके फेमस वर्क्स में काम आता है द लव स्ट्रॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1915 में पब्लिश हुआ था, द वेस्ट लैंड 1922, फोर क्वार्टेट्स 1943, मर्डर इन द कैथल 1935 में पब्लिश हुआ था। और उन्हें नोबल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए 1948 में एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट 1948 में। उनकी वाइफ का नाम था विविन हायाग वुड और उनकी दूसरी वाइफ का नाम था एस्मी वैलरी फ्लेचर। उनके पेरेंट्स का नाम था हेनरी वेयर इलियट एंड शार्लट चैम स्टीन। फ्रेंड्स, वेस्ट लैंड जो पोएम है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द बूरियल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। द बूरियल ऑफ द डेड ये 76 लाइन की है। द गेम ऑफ चेस 96, द फायर सरमन 139, डेथ बाय वाटर 10 लाइन्स की जो कि सबसे छोटी पोएम है एंड व्हाट द थंडर सेड 113 लाइन की लिखी हुई है। फ्रेंड्स, जब इस पोएम को पोएट ने लिखा था उस समय 1922 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल बना हुआ था और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, इसलिए इंडस्ट्रियाँ बन रही थी, लोगों में ह्यूमैनिटी जो थी वो ख़त्म होती जा रही थी और लोग एक रोबोट बन गए थे। वो सुबह उठना, फिर अपनी जॉब पे जाना, वापस आना, बस उनके लिए यही एक काम हो गया था। और इसी कारण इलियट हम जानते एक बहुत ही बड़े अच्छे पोएट थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी थी। तो उन्होंने जितनी भी बुक्स पढ़ी थी वो सब उन्होंने इस पोएम में झोंक दिया था। जैसे कि उन्होंने ग्रेल, फिशर किंग, दांतेस, डिवाइन कॉमेडी, बुद्धिज़्म, हिंदू उपनिषद, इन सभी के बारे में इस पोएम में लिखा हुआ है उन्होंने। जब इस पोएम को लिखा था T.S. Eliot ने तो ये बहुत बड़ी पोएम थी, हजारों लाइंस की, लेकिन इज़रा पाउंड के कहने पर उन्होंने इस पोएम को एडिट करवाया और अब ये 343 लाइंस की बची हुई है। द वेस्ट लैंड जो इसका टाइटल है वो उससे पहले पोएम ने इस पोएम को दूसरा टाइटल दिया था, ही डू द पुलिस इंडिफरेंट वॉइस, और इसका टाइटल लिया था चार्ल्स डिकेंस का अवर म्यूचुअल फ्रेंड से। बाद में उन्होंने द वेस्ट लैंड इसका टाइटल दिया। यहाँ पे वेस्ट लैंड जो टाइटल दिया है उसको इसलिए दिया है क्योंकि पोएट यहाँ पे जो मॉडर्न ज़माना आ गया था उसमें जो लोगों के अंदर ह्यूमनिटी ख़त्म हो गई थी उसको दिखाने के लिए ये टाइटल दिया है। यानी कि उन्होंने मॉडर्निज़म को ऐसा वेस्ट लैंड कहा है जहाँ पर सब कुछ बंजर है। इस पोएम के हम सभी पार्ट्स को बारी बारी करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके सभी पार्ट को डिस्कस करूँगी। थैंक यू।